Very good morning, one and all. My name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. 7 तारीख के करंट अफेयर्स क्या है, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं और क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए. पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला मेथनोइक पार्क कला ईंधन कार्यक्रम कहां पर लॉन्च हुआ? वो हुआ असम में है. और असम की बात हुई तो अपन असम के बारे में अपन को बाकी चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे वहाँ की राजधानी है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी. असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है और किसके लिए फेमस है? वो एक सिंह वाले गेंडा के लिए फेमस है. ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आ चुका है एग्जाम में. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है. अगला क्वेश्चन, हाल ही में WFE कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया है? विक्रम लिमोय को नियुक्त किया गया है. किसकी कार्यकारिणी के लिए, समिति के लिए किया गया इनको? WFE कार्यकारिणी समिति के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. अगला क्वेश्चन, विश्व का शीर्ष ब्रांड अब कौन सा बन गया है? अब एप्पल बन गया है, पहले गूगल था अब एप्पल बन गया है, दूसरा गूगल है और तीसरा अमेजोन तीसरे स्थान पर है. ठीक है, सबसे अभी सबसे ऊपर अभी एप्पल है. चौथा क्वेश्चन, किस देश के बल्लेबाज निक कॉप्टन सेवानिवृत्त हो गए हैं? किस देश के हैं वो? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं. अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीसरे युवा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ शुरू हुए? वो अर्जेंटीना में हुई है. अर्जेंटीना की कौन सी कहाँ पर हुए? अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर ये ओलंपिक खेल आयोजित हुए हैं. और वहाँ की जो मुद्रा है वो है पेसो. और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है वहाँ के लिए कि ध्वजवाहक कौन बनी वहाँ पे? मनु भाकर, जो कि हरियाणा 16 वर्षीय है. इन्होंने कॉमनवेल्थ और एशिया खेलों में बहुत नाम कमाया है, वहाँ की ध्वजवाहक बनी है. सिक्स्थ क्वेश्चन, हाल ही में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस भारत के राजदूत नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? पंकज शर्मा को राजदूत नियुक्त किया गया है. ठीक है, सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन, अटल इनोवेशन का किस देश में सिरिसस एजुकेशन फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है? रूस के साथ हुआ है. और ये अभी हुआ है क्योंकि अभी व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए हुए हैं. अटल इनोवेशन का किसके साथ हुआ है? सिरिसस के साथ, एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हुआ है. और ये किस देश की है? रूस देश की फाउंडेशन है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ADB बैंक ने किस देश के लिए $180 मिलियन दिए हैं? किस देश के लिए दिए हैं? नेपाल के लिए दिए हैं. और नेपाल राज्य की बात है तो वहाँ के अपन को कैपिटल पता होना चाहिए, वहाँ की काठमांडू. मुद्रा है नेपाली रुपया और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और PM है वहाँ के KP शर्मा कोहली. ठीक है, वो साथ में ADB बैंक की बात हुई है तो ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी. और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है मनीला. ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नोबल शांति पुरस्कार 2018 किसको दिए गए हैं? डेनिस मुख वेगे को और नादिया मुराद को. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो भी नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, भौतिकी रसायन नोबेल जिसमें भी दिए जाते हैं, शांति साहित्य सब में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. साहित्य में इस साल नहीं दिया गया. अगला क्वेश्चन, राकेश शर्मा कौन है? ये IDBI बैंक के प्रमुख हैं. और IDBI बैंक की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी. और ये मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुंबई में. ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय रेलवे टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? त्रिची में हुआ, जो कि तमिलनाडु में है. और तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ की कैपिटल है चेन्नई, CM है के पिलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल. ये थे अपने 7 तारीख के करंट अफेयर्स. ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स में डाल चुका हूँ, उनको भी एक बार आप देख लीजिए. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स वो मैंने सारे डेट वाइज लिए रखे हैं. और बाकी मैंने इंग्लिश के करंट, इंग्लिश के लिए एडजेक्टिव नाउन वर्ब के वीडियो डाल रहा हूँ, उनको भी देख पीछे से मैंने समझाया है, आपको चीज़ समझ में आएगा. और मैं जल्दी ही ये जो डिले हो रहा है करंट अफेयर्स में, इसको कवर करके बराबर पर ले आऊँगा, ताकि मैं 7 तारीख का करंट अफेयर्स आपको 8 तारीख को अगले ही दिन दे दूँ, जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते हो. ठीक है, तो इस पर कवर करने भी 2-4 दिन में सारे कवर कर लूँगा मैं, सारे बराबर पे आ जाएंगे. और मैथ के वीडियो में परसेंटेज का डाला है, एक बार उसको भी देखिए. और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वहाँ पे इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.